हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेयर एंड ब्यूटी सॉल्यूशन वीडियोस। अभी ब्यूटी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं की वीडियो जो है ब्यूटी की भी डालने वाला हूँ। तो अभी इस बार जो करने वाले हैं, एक और नई चीज़ जो है, ऐसा न्यू डिफरेंट हेयर कट वो दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन दबाइए अगर आपको मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो। ओके, तो आज जो हम हेयर कट करने वाले हैं वो है लॉन्ग हेयर, मीडियम लेंथ है, लॉन्ग नहीं बोल सकते हम, मीडियम लेंथ है, मीडियम लेंथ के ऊपर। ओके, तो इन बालों में इनके ऑलरेडी वॉश्ड हेयर हैं, तो मैंने वॉश कर दिए थे पहले ही, तो इसको टेंगल्स फ्री करके उसके बाद हम इसमें हेयर कट करेंगे स्टार्ट। ओके, शी नीड मतलब मीडियम टू स्मॉल लेंथ, और उसको एक अच्छा हेयर कट चाहिए उनके हेयर के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम जो करने वाले हैं आज वो हेयर कट है मीडियम लेंथ पे। पहले हम लेंथ कम काटेंगे तो उनको दिखा देंगे कि उनको लेंथ कितना कटवाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमेशा। तो इस बार मैं लेंथ पहले उनको दिखा के थोड़ा सा काटूंगा, अगर वो और ज़्यादा बोलेंगी तो मैं और ज़्यादा बाद में काट सकता हूँ लेंथ। ओके, तो सबसे पहले मैं लेंथ कट कर रहा हूँ अभी, तो लेंथ जो रहेगी वो रहेगी 2 इंच तक मैं कट करूँगा, 2 इंच लेंथ काटूँगा। एक साइड के बाल काटे मैंने, देन मैं अदर साइड के बाल पकड़ूँगा, उसको भी काटूँगा। ये लेंथ कटने के बाद मैं क्लाइंट को दिखाऊंगा कि आपको ये लेंथ पसंद है या नहीं, अगर वो बोलेंगी और शॉर्ट करना है तो वी कैन डू दैट, क्योंकि हमारा काटने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, वी कैन डू दैट। तो क्लाइंट को अगर और शॉर्ट चाहिए तो वो कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा। पहले आप कम काटिए क्योंकि बाद में आपके पास ऑप्शन होगा और छोटे काटने का, और अगर आप पहले ही ज़्यादा काट लेंगे ना तो आपके पास बाद में ऑप्शन नहीं रहेगा। ये लेंथ मैंने दिखाया, शी इज़ लाइक कि मुझे और शॉर्ट चाहिए, तो दोबारा से मैं बॉक्स एरिया लूँगा, फिर अगेन मैं और शॉर्ट करूँगा हेयर लेंथ। ओके, और उसके बाद मुझे इसको डिसाइड कर लेना है, और 3 इंच हम काटेंगे, 5 इंच हेयर टोटल हमने काट दिया अभी, पहले 2 इंच फिर 3 इंच। तो इसमें ये जैसे ही लेंथ डिसाइड हो जाता है, ये हमारा गाइडलाइन शुरू हो जाता है यहाँ पर। ये लेंथ काटने के बाद मुझे इन बालों को जिगजैग टेक्निक में ही काटना है फिर से, और जैसे मैंने लास्ट हेयर कट में बताया आपको, लास्ट हेयर कट हमने जिगजैग टेक्निक में किया था जो कि थिन बालों में था। तो ये थिन बाल नहीं है, ये थोड़े से हैवी बाल है उनसे। ओके, तो ये आप देखिएगा, बॉक्स से लिया, ऑलमोस्ट दिखाने वाला हूँ कि आपको जो हेयर कट है वो तरीका जो है, ये अगर आप तरीका सीख जाते हो हेयर कट का, एकदम ईजी तरीका है, कुछ नहीं है। आपने बालों को पकड़ा 90 डिग्री पे, कट किया जिगजैग टेक्निक में, साइड वाले बाल लिए, फिर से पकड़ा, कॉम किया, जिगजैग टेक्निक में ही काटना है और 90 डिग्री पे काटना है। तो वी कैन डू दैट, है ना, साइड से ही पकड़ा, कॉम किया 90 पे एंड देन कट इट। इसी तरह से मुझे इन बालों को भी काट देना है। तो जैसे ये कट जाते हैं उसी तरह मुझे अदर साइड के बाल भी काटने हैं, सेम थिंग, 90 पे पकड़ा एंड काटूंगा। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन लूँगा, है ना, नेक्स्ट सेक्शन लेने के बाद उनको काटूंगा। तो क्लाइंट को ये लेंथ अभी सही लग रही है तो इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे हम, जैसे ही ये हेयर कट कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको इसका लुक देखना ज़बरदस्त आने वाला है। तो आप लोग बताना ये हेयर कट आप लोगों को कैसा लगा। ओके, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अभी से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए आ रहे हैं, और पुराने लोगों को यही बोलूँगा जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ ये वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए। ओके, एंड यहाँ पे अभी फिर से मैं बॉक्स एरिया ले रहा हूँ, बॉक्स एरिया का एक लेंथ जो है वो मैंने बताया हुआ है, 1 कॉम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, तो वही सेम इसमें भी करने वाला हूँ, 1 कॉम से थोड़ा सा ज़्यादा रखा एंड कट इट। ये भी जिगजैग में ही काटूँगा। ओके, आप काटते जाइए, डरिए मत, अगर आप सही टेक्निक काट रहे हो ना तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मुझे बॉक्स का एरिया लिया और उसमें से गाइडलाइन लिया, और बाकी के बालों को मैं क्लिप कर दूंगा, तीनों साइड मुझे गाइडलाइन लेना है अभी, बाकी के बालों की गाइडलाइन लेके मुझे इन्हें क्लिप कर देना है। ओके, और फिर से मैं इसके बाद जैसे ही मैं काट लेता हूँ फिर बैक के हेयर्स को इसके साथ मर्ज करना है। तो ये सेम ऑलमोस्ट सेम हेयर कट है जो बैक वाले पहले बालों में दिखाया मैंने, इससे पहले जो थिनिंग हेयर में दिखाया, बट थोड़े से इसमें लेंथ जो है एक तो लंबी है, एक ये बाल हैवी हैं उससे ज़्यादा। ओके, और इनको भी मैं उसी तरह से मर्ज करूँगा ग्रेजुएशन पे ले जाके, पीछे वाले बाल छोटे जो हैं वो गाइडलाइन है, आगे वाले बाल जो बॉक्स एरिया काटा है छोटे हैं वो मेरी गाइडलाइन है, तो बीच के सारे बालों को मुझे काट देना है।
तो जितने भी स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट मेरे सिमिलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक दो हेयर कट ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो पतले बालों में था, ये थोड़े से हैवी बालों में, तो लुक दोनों का डिफरेंट रहेगा। यू कैन सी दैट, आपको पता लगेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, दोनों में अलग क्या दिख रहा है। ओके, तो हैवी में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो मैं एक चीज़ और बोलने वाला था आप लोगों को, लाइक जिन लोगों ने कुछ भी प्रोडक्ट्स या कुछ भी नया ख़रीदना है, ओके, तो दे कैन यू नो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको ख़रीदना, जो भी वो जाए, और लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, चाहे वो ये सीज़र है, चाहे वो कॉम है, चाहे वो ये कटिंग केप है, चाहे सेक्शन क्लिप्स हैं, ड्रायर हैं, आयरनिंग है, स्टैंडिंग क्रीम है, स्पा क्रीम है, ओके, एनीथिंग, जो भी मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करता हूँ वो चीज़ें अगर आपको ख़रीदनी है, सेम चीज़ें, ओके, वो आप मेरे वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं, लिंक में जाइए एंड वहाँ पे क्लिक करके उस लिंक को सारे प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं, ओके। तो इसी तरह से अभी मैं बाल काट रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए किस तरह से मैं बाल कट कर रहा हूँ। मैंने पकड़ा दोनों साइड की गाइडलाइन, बीच के सारे बाल काट दो, डरो मत बाल काटते हुए, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए काटते हुए, ठीक है, जस्ट कट इट। अगर आपका टेक्निक सही है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। तो मैंने फिर से साइड के बाल लिए, जैसे ये ब्लो ड्राई इसके बाद करूँगा मैं, तो ब्लो ड्राई थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे एज यूजल, जैसे मैं बताता हूँ कि अगर ब्लो ड्राई फास्ट रहेगा यू नो तो उसमें क्या होगा कि हमें एक तो टाइम की बचत रहेगी, वीडियो छोटी बनेगी, ओके, जिन लोगों को छोटी वीडियो देखने का मज़ा आता है तो उसके लिए मैं ये थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड बना के छोटा वीडियो रख रहा हूँ ताकि वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अभी इसमें मैंने फ्रंट पे लेयरिंग नहीं किया था तो बॉक्स कैरियर लेके फ्रंट पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करूँगा, फिर उसमें से पार्टीशन करूँगा, दो गाइडलाइन ले लूँगा दोनों साइड, और फिर से बैक में ए सेक्शन वाला सेक्शन लेके, ओके, जो हम लेयरिंग में या फैदर कट में लेते हैं, ये सेक्शन अगर आपको देखना है तो आप मेरे लेयर या फैदर कट में जाके देख सकते हैं। तो इसको मैं आगे टूवर्ड द नोज़ लेके जाऊँगा, है ना, जहाँ पे उनका नोज़ है उसके सामने, वर्टिकली भी काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किस तरह से आपको काटना है, ओके, हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। तो ये अभी आप सेक्शन साइड से देख रहे होगे मैंने कैसे निकाला है, किस तरह से सेक्शन निकाल के मुझे अभी आगे लेके जाना है एंड कट करना है। मैंने दोनों साइड के बड़े बाल देख के बीच के बालों को काट रहा हूँ इस तरह से, ओके। तो जैसे ये कट जाते हैं उसके बाद हम ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे, सारे बालों को पहले फिंगर ड्राई करेंगे, फिंगर ड्राई करने के बाद मुझे क्या करना है, ब्लो ड्राई आउट कर्ल्स करने हैं। तो मैं एक जो सेक्शन है सबसे पहला वाला वो आपको दिखाऊंगा आउट कर्ल्स करके, देन उसके बाद आपको खुद से आउट कर्ल्स करने हैं, ओके। तो ये जो आउट कर्ल्स हैं ये इजी हैं अगर आप राइट टेक्निक जानते हो करने की, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको पूरे बाल सुखा लेने हैं 80-90%, और जो बाकी के 10% रहते हैं ना वो आप ब्लो ड्राई में स्टार्ट करके ड्राई कर सकते हो, ओके। तो किसी भी तरह का, अगर मैं ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन है आपको, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आप पूछना चाहते हैं, यू कैन लाइक कमेंट मी और ईमेल मी, ईमेल जो है वो मेरे वीडियो के अबाउट मी सेक्शन में जाएंगे आप चैनल के, उसमें दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ईमेल देख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आप कमेंट करते हो तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैं सबका कमेंट का आंसर देता हूँ जो लोग क्वेश्चन करते हैं, और बाकी अगर जो लोग वाव वेरी गुड ऑसम एंड ऑल ये सब करते हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, बट उनका कमेंट मैं जो है वो लाइक कर देता हूँ। आई नो एक दो दिन लग जाते हैं उस सब में, बट आप इतना वो मत करिएगा कि आपने सर रिप्लाई नहीं दिया इतना जल्दी एक ही दिन में, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे हर एक कमेंट पढ़ने में भी टाइम लगता है, फिर उनको टाइप करना एंड देन रिप्लाई करना, इट्स अ हेडेक भी है और बहुत बड़ा भी है। आई मीन एवरी डे 1000 लाइक्स आ रहे हैं, एवरी डे 500 कमेंट्स आ रहे हैं, तो कमेंट्स का आंसर भी देना पड़ता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इसी वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं, सारी जितनी वीडियोस हैं 90+ वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 100 होने वाली हैं, तो 100+ वीडियो पे कमेंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगता है ना सबको रिप्लाई करने में। तो आप प्लीज़ वरी मत होइए, अभी जो ब्लो ड्राई है वो आपको पहले भी बताया हुआ मैंने किस तरह से करना होता है,
बड़े राउंड ब्रश से हम बाल स्ट्रेट करते हैं, छोटे राउंड ब्रश से हम कर्ल करते हैं। तो अभी मैं बड़ा राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रेट करने के लिए, ओके। और उसके बाद छोटा राउंड ब्रश यूज़ करूँगा आउट कर्ल्स करने के लिए। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेट ब्लोर है, अभी छोटा राउंड ब्रश उठाऊँगा, ओके, और इसको आउट कर्ल्स करूँगा यहाँ पे इस तरह से, जस्ट सी इट, एंड्स को सिर्फ आउट करना है मुझे। आउट किया, हीट एंड कोल्ड दोनों जो है हवाएं देनी है मुझे ड्रायर में से। उसमें ऑलरेडी ऑप्शन होता है कि आपको ठंडी हवा देनी है या गर्म हवा देनी है, तो आप दे सकते हो इस तरह से, ओके। तो जैसे ही ये हो जाएगा ड्रायर, उसके बाद मैं इनको कर्ल्स को फ्रीज करूँगा इस तरह से। मैंने पकड़ा, ओके, रोल किया और सेक्शन क्लिप लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये कर्ल्स जो हैं ज़्यादा देर टिकें, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ओके। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जस्ट सी इट। तो यहाँ पे जैसे ही कर्ल्स हो जाते हैं, मैं उनको खोलूँगा, ओके, जैसे ही मेरा ड्रायर कंप्लीट हो जाता है, आपने फास्ट फॉरवर्ड में तो देख लिया मैं ड्रायर कैसे करता हूँ, ये थोड़ा सा अभी स्लो मोशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि कर्ल्स मैंने ओपन किए हैं, अभी इनको मुझे फिंगर की हेल्प से इनको खोलना है, क्योंकि अभी ये आर्टिफिशियल लग रहे हैं। इनको खोलेंगे एकदम नेचुरल दिखाएंगे, इनके नेचुरल कर्ल्स हैं जैसे बालों में। तो इसी तरह से मुझे बालों को, ओके, ऐसे देख रहे हैं ना, अब मैं कैसे पूरे कर्ल्स हिला रहा हूँ, बाल हिला रहा हूँ तो कर्ल्स खुल रहे हैं इस तरह से, जस्ट सी इट। और उसके बाद देखिए बाल हैवी कितने हो गए हैं, कितना वॉल्यूम आ गया इन बालों में, जस्ट सी इट। और बताइए आपको ये आज का वीडियो जो है वो कैसा लगा, और होप है आपको ये हेयर कट बहुत पसंद आया होगा, और आपके लिए मैं ऐसे ही हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा, बस मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए, जस्ट सी इट, कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया, फॉल कितना अच्छा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।